इंडिया और अभी हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं माय फेवरेट गोम्बो, हम हैं गोम्बो रंगजोन पे। पर ये वीडियो जो है मैं स्पेशली बना रही हूँ पर्टिकुलरली फॉर दी स्टे ऑप्शंस एट गोम्बो, क्योंकि जब मुझे आना था तो मैं भी देख रही थी कि वहाँ पे इस बार टेंट्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, तो सीजनल यहाँ पे कैंपिंग पे टेंट्स कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ रुके हैं फिलहाल फुक्तल कैंप एंड फूड कॉर्नर पे। ये हमारी किचन है, हमने कल रात खाना अंदर ही बैठ के खाया था क्योंकि गर्म गर्म बन रहा था, अंदर का माहौल एकदम ठंडी से बचाने वाला था। ये हमारा डाइनिंग टेंट है और ये हम लोग कर रहे हैं वो वाले टेंट्स में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतने अच्छे टेंट्स और इतनी अच्छी बेडिंग, क्योंकि लगा था यार पता नहीं कैसा अनहाइजीनिक होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, बट अच्छे टेंट्स हैं। पीछे अटैच वॉशरूम है। पानी का ये है कि आपको मतलब सप्लाई वाटर वैसा नहीं है, बट फिल करके वो पास में रख देंगे। तो इतनी ठंड में ऐसी जगह पे अगर आपको ये मिल रहा है तो दिस इज़ ए, बिलीव मी, दिस इज़ ए लग्जरी। मैं आपको टेंट्स दिखाती हूँ अंदर से, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टेंट का व्यू देती हूँ कि कैसा है। अभी हमने सामान फैला रखा है तो उसको आप इग्नोर करिए, बट हम लोग जैसे ये देखो ट्रिपल बेड का है ये टेंट, तो हम लोग तीन लोग थे। फोल्डिंग बेड्स लगे हैं, अच्छे मेट्रेसेस हैं, अच्छा आपको क्विल्ट्स और ब्लैंकेट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। और दिस इज वॉशरूम, जैसे कहीं पे भी पैंगोंग वगैरह पे भी हम जाते हैं तो जैसे अटैच उस तरह से होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आने से पहले आइडिया हो जाए कि अगर आपको इतना बेसिक मिल रही हैं चीज़ें ऐसी जगह पे तो ये लग्जरी ही है। ठीक है, तो अगले साल कैंपिंग किसको मिलती है यहाँ पे, क्योंकि लीज पे होती है वो हमें नहीं पता है, बट एटलीस्ट टेंट्स लगते हैं। जैसे ये इनका एक कैंपिंग साइट है, मतलब एक फुक्तल जो मैं बोल रही थी कैंपिंग, और पीछे आप देख सकते हैं और भी दो साइट्स जो हैं वो हैं। और ये है हमारी गाड़ी और ये वीडियो डेडिकेटेड था गोम्बो और गोम्बो में कैंपिंग के ऑप्शंस को, क्योंकि लोग यूजली रुकते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जब लास्ट ईयर हम आए थे, नहीं लास्ट ईयर नहीं आए थे, 2021 में आए थे, तब हमने अपना कैंपिंग सेटअप किया था, पिच किया था, खुद खाना बनाया था। बट कई बार क्या होता है कि वो इतने ऐसे ट्रैवल के बाद हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती कि इतनी ठंड में अब इतना काम कर पाएँ। तो ठीक है, आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, नॉमिनल ठीक प्राइसेस है आपको डिनर ब्रेकफास्ट के साथ, तो आप आइए और एक नाइट स्पेंड करिए। बिकॉज हमने जो रात को स्टारी नाइट देखी है दैट वाज लाइक अमेजिंग, डिवाइन था। और क्या कहें गोम्बो के बारे में, बस इतना ही है। डू प्लान फॉर जंस्कार वैली। बाय, थैंक यू।